हेलो दोस्तों, मुगल काल वीडियो नंबर 5 है। इसमें ग्रुप डी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी का संकलन है। जितने भी वन लाइनर है जो पूछा गया है ग्रुप डी में, उसके बारे में बताया गया, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए आता है, बाबर मुल्तक कहाँ से आया था, क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर होगा फरगना। बाबर मुल्तक फरगना से आया था, क्वेश्चन पूछ सकता है। बाबर 12 वर्ष में फरगना का शासक बना, जबकि अकबर 13 वर्ष की उम्र में दिल्ली का शासक बना था। बाबर 12 वर्ष में फरगना का शासक बना था, जबकि अकबर 13 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर को पहले आगरा में आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। पहले आराम बाग दफनाया गया था आगरा में, फिर बाद में काबुल में दफनाया गया। हुमायूं को अपने शांतिप्रिय व्यक्तित्व और धीरज के लिए अबुल फजल ने इंसान कामिल कहा था। हुमायूं को अपने शांतिप्रिय व्यक्तित्व और धीरज के लिए अबुल फजल ने इंसान कामिल किसने कहा था? अबू फजल ने कहा था। क्वेश्चन बन सकता है। हुमायूं का दूसरा नाम क्या था जो अबू फजल ने वो कहा था? इंसान कामिल। हुमायूं के पुत्र अकबर ने उससे बगावत नहीं की, जबकि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब के पुत्रों ने उनसे बगावत की। हुमायूं के पुत्र अकबर ने उनसे बगावत नहीं की, जबकि अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के पुत्रों ने उनसे बगावत की। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने कराया था। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों, किलाए, कोना मस्जिद, शेर मंडल आदि का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। दिल्ली में पुराना किला का जो भवन है, किलाए, कोना मस्जिद, शेर शाह मंडल आदि का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना मुगल शासक अकबर द्वारा मुख्यतः धार्मिक वार्तालाप के लिए प्रयोग किया जाता था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना मुगल शासक अकबर द्वारा मुख्यतः धार्मिक वार्तालाप के लिए प्रयोग किया जाता था। मुगल शासक अकबर अशिक्षित था। जो मुगल शासक अकबर अशिक्षित और पढ़ा लिखा नहीं था, पूछ सकता है। 1615 ईस्वी में थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत दौरे पर आते हैं। जहांगीर, पूछ सकता है थॉमस रो किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर 1615 में आए थे। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। मुगल सम्राट शाहजहां खुर्रम जहांगीर का उत्तराधिकार, शाहजहां उनका नाम खुर्रम जो जहांगीर का उत्तराधिकारी था। कवि बिहारी राजा जय सिंह का दरबारी कवि था, जो कवि बिहारी राजा जय सिंह का दरबारी कवि था। अकबर के दरबार में अत्यंत प्रसिद्ध हिंदी कवि अब्दुल रहीम खाने खाना थे। जो अत्यंत प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन। जहांगीर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। जहांगीर अपनी न्याय, क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा है, जहांगीर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। शेर शाह द्वारा बनवाया गया जीटी रोड दिल्ली व अमृतसर के बीच है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की संख्या दी गई है। दिल्ली से अमृतसर जो जीटी रोड है वो NH1 की संख्या दी गई है। मुगल काल में जब्त या राजस्व संग्रहण की एक पद्धति थी। मुगल काल में जब्त या जब्ती राजस्व संग्रहण की एक पद्धति थी। मुगल सम्राट उनका वास्तविक नाम है। बाबर का जहीरुद्दीन मोहम्मद, शेर शाह का फरीद खान, जहांगीर का सलीम, शाहजहां का खुर्रम। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इंडो पारसी वास्तुकला का उदाहरण, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इंडो पारसी वास्तुकला का उदाहरण है। मयूर सिंहासन शाहजहां के काल में बनवाया गया था। औरंगज़ेब के पिता का नाम शाहजहां था। औरंगज़ेब ने 1689 में जजिया पुनः लगा दिया था। औरंगज़ेब के पुत्र मुगल शहजादा अकबर ने अपने पिता के खिलाफ बगावत की थी। अकबर नामा के रचयिता अबू फजल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने पुराना किला का निर्माण नहीं करवाया था, ये भी पूछता है। किसने करवाया था? पुराना किला का निर्माण हुमायूं ने कराया था, अभी ऊपर बताया गया है। अकबर ने मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए राजपूतों से मित्रता व सहयोग मांगा। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे अधिक बाधा शहरयार था। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे अधिक बाधक शहरयार था। शिवाजी को औरंगज़ेब का बंदी राजा जयसिंह नामक राजदूत ने बनाया था। शिवाजी को औरंगज़ेब का बंदी राजा जयसिंह नामक राजदूत ने बनाया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु
रंगून में हुई थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। मुगल शासन में मानस बदारी प्रणाली का परिवर्तन अकबर द्वारा किया गया था। मानस बदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर द्वारा किया था। जहांगीर का शासन काल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। जहांगीर काल में अपने चरम पर थी। मुगल शासक जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के साथ समाप्त हुआ। लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के साथ समाप्त हुआ। भारत के पश्चिम किनारे पर पांव रखने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक पुर्तगाल था। भारत के पश्चिम किनारे पर पांव रखने वाला प्रथम यूरोपीय नाविक पुर्तगाल था। चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुआ। 1789 में लड़ा गया था। चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए। वह 1789 में लड़ा गया था। मुगल शासकों का सही क्रम, पहले बाबर था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तब शाहजहां था। ये पार्ट 5 है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, इसका PDF आपको मिल जाएगा।